वेलकम इन न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं राइड पे। राइड पे अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। संडे का दिन है और संडे का दिन पीछे वाली रश को इग्नोर करो, मतलब जो खलारा सा पड़ा है उसको इग्नोर करो। तो अभी हम जाएंगे राइड पे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं राइड पे। और कोई एक हमने बाइक भी लेके आनी है, सरप्राइज है आपको। थंबनेल तो आपको मिल ही गया होगा। बाइक लेके आनी है मेरे दोस्त की। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और आज हिमाचल में चिंतपूर्णी माता के मेले भी हैं, आपको मेले की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। अभी सीधा आपको मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं और निकल के अभी देखते हैं रास्ते में ट्रैफिक होएगा, ट्रैफिक आपको बताएंगे, अपडेट देते जाएंगे। और अभी तो हम रामा मंडी की साइड जा रहे हैं। कैंट का देखो एरिया कितना साफ है और हरियाली कैसे कितनी है। तो भाई गाइस बस स्टैंड मिलते हैं। अभी तेल भरवा लिया हमने। रास्ता इतना मजेदार है ना, मन कर रहा है कहीं कनाडा ही ना चल जाए ऐसे करते। इंटरनेशनल हाईवे आ रहा है आगे लगता है। वहाँ और भी ज्यादा खड्डे हैं, इससे अच्छा यहाँ ही ठीक है। मेडिकल वाली दुकान है ना, ये वाली विनय शर्मा वाला, ये मेरे मामू की दुकान है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं होशियारपुर की मार्केट में, जा रहे हैं और अभी हम खाएंगे क्या खाएंगे गोलगप्पे, और देखते हैं हमें गोलगप्पे मिलते हैं कि नहीं। और मार्केट है 50-50 ओपन, 50-50 नहीं 70% ऑफ है मार्केट। जल्दी आइए। अरे बड़ी शांति हो रही अंदर सच्ची यार, रास्ता ही खाली लग रहा है। कुछ कुछ दिखने लग पड़ा है, दो बच्चे खड़ी दिख रहे हैं। आपको तो छोटा दिखेगा क्योंकि वाइड एंगल पे बड़ा छोटा दिखता है। और हरियाली देखो कितनी दिख रही है, आपको दिख रही है हमें नॉर्मल कलर दिख रहा है। अरे लंगर भी लिखा हमें, होशियारपुर के अंदर भी लंगर है, बस स्टैंड भी आ गया होशियारपुर का बस स्टैंड। हाय हाय हाय, बसों में भी रश कम लग रहा है। हिमाचल रोडवेज भी खड़ी है, एक दो हिमाचल रोडवेज हमारे साथ साथ आई है अंदर। अभी अंदर जाएगी सवारियां छोड़ेगी, बस स्टैंड के अंदर घुस जाएगी और अभी घुसने जा रही है। अंकल जी ने पट्टा पहले ही डाल लिया है। अंकल ने पट्टा पहले ही डाला हुआ है और हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डरते तो नहीं, सामने से कोई आ जाए तो अरे हर जगह लाऊंगा रे। कहाँ पे रोकनी है? अच्छा देख, गन्ने का रस यहाँ भी मिल रहा है। अरे वाह, मशहूर गोलगप्पे वाला बंद निकला, बंद है खुला है ना, ही रेडी अंदर होती है। चलो आपको गोलगप्पे खिला। तो गोलगप्पे आ गए हैं, गोलगप्पे हो गए हैं और ये धूप में हम भी चले। सीट पे हाथ लगा के देखिए, कितना स्ट्रगल है भाई। चलो चले भाई, होशियारपुर की मार्केट में रश बहुत है यहाँ। थोड़ा आगे चले, ये तो आगे आगे वाली
ये दूसरा नंबर उन देखा मतलब किसके लिए चला रहे हैं और देखो देखो बच्चे को लेके कैसे चला हुआ है बच्चे के तरफ खा के वो लोग ब्रेक मार देंगे और देख चौथा पांचवा लंगर और आगे छेमा जहाँ भूख मरी होगी वहां ही लंगर लगाएंगे साले जहाँ रहते हैं छोटे लंगर लगाएंगे आठवा लंगर नौवा भाई आमने सामने लंगर वही तो बात है सारों को आज के दिन बुला देंगे बाकी दिन भूख से मरेंगे पेट खराब करने वाली बात है ये इतने लंगर लगाने यार हम निकाल भी नहीं रहे हैं हम नजारे लेने आए हैं चेयर तो करा यार ये बेस्ती हो गया रे चेयर चलो शक्ल ये देखो क्या हाल हुए पसीने से और ड्राइवर यहाँ चेंज होते हुए मौसम ठंडा हो गया है और झंडे ही झंडे मिल रहे हैं सारे झंडे लगा के जा रहे हैं स्कूटियों वालों की पीपड़ी बोली हुई है जो बस में है वो भी खज्जल हो रहे हैं बंदे अभी रास्ता साफ है आगे जाके देखना फिर रश आ जाएगा फिर बस रुक जाएगी बाइक स्कूटी वाले तो फिर भी चल रहे हैं देखो ट्रिपलिंग और रास्ता देखो कितना खराब मौसम साफ नानी कह रही थी वहाँ पे बारिश वरिश होती है बारिश कहाँ हो रही है ये देखो पीछे लंगर गया अभी दो मिनट बाद देखना फिर आगे एक लंगर आ जाएगा हर 50 मीटर या 20 मीटर बाद ना लंगर आया हिमाचल में और जो पंजाब है उसमें तो आमने सामने लंगर लगातार जिग जैग लंगर ही लंगर बंदा कंफ्यूज कहाँ से खाए कहाँ से नहीं 10 बंदे लंगर 20 ये देखो ये लंगर आने वाला है कहाँ है लंगर आने ही वाला है बस देखो लोग बैग उठा के जा रहे हैं वो देखो आगे लंगर वो देखो लंगर कहा था बस आने ही वाला लंगर कंटिन्यू वीडियो में और ये जो लोग गाड़ियां साइड पे लगा के खा रहे होते हैं ना यही जाम लगाते हैं और शक्ल की बैंड बजी हुई है ये देखो टोपी तभी डालिए बाल ना खराब हो जाए पहले ऐसे डाली थी अब दोबारा ऐसे डाल देता है ताकि उड़े ना आगे ट्रैफिक है उड़ेगी नहीं अभी आवाज सुनो आवाज बाइक की और यहाँ पे एक बारी मासी रह के गए थे इस होटल में बाइक की आवाज सुनो अभी रुको अभी स्ट्रेच आएगा ना तब सुनना वहीं क्रॉस कर लिया और रश अब खत्म है ये अब देखो बिल्कुल ट्रैफिक खत्म तो गाइस टोपी गिर गई हमारी बच गए चल मोड़ तो हमें अब टोपी मिल गई है चलो 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 और गाइस व्यू चेक करो व्यू वो देखो नदी जा रही है और ये बाइक से जो लेने आए थे हम कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं होने वाली है उस मुड़ गए हैं
खिंच के रख काम। तो PB08 आ गई है अपने पास, अब हम भगाते भगाते जाएंगे, इतना भी नहीं भगाएंगे भाई, सेफ में चलाते हैं हम। भाई इसकी रोड प्रेजेंस देखो कितनी तगड़ी है, रास्ता देखो कितना साफ है भाई, इस साइड पहाड़ी इस साइड जंगल, मजेदार। मजे 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 आए हैं मजे। आगे हमारी चल रही है 310 और उसके आगे चल रही है एक्टिवा, मेरे दोस्त के पापा हैं हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं, कहते मैं आपको रास्ता बता दूं। और ये वादियां देखो कितना ग्रीन है, यहाँ से वहाँ से रास्ता जाता है ये दो पहाड़ियों के बीच में से, और ये नहर है, नहर में मैं आपको दिखाता हूँ, खूब खड्ड सी है वो, देखो पानी कितना अच्छा है। इतनी तगड़ी सीनरी है भाई, हमारे को भी ऐसा घर चाहिए यहाँ पे, और घर भी बहुत खुला था, मजा आया। ट्रैफिक देखो ना के बराबर है, जैसे हम चिंतपूर्णी क्रॉस करेंगे उस पहाड़ी के पीछे चिंतपूर्णी है, यहाँ से भी रास्ता जाता था, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मेला है, अगर मेला नहीं होता और रश नहीं होता तो मैंने चिंतपूर्णी मथा टेकना था, पर जय माता दी हम यहीं से कर देते हैं क्योंकि रश बहुत है और मैं घर बता के भी नहीं आया हूँ। अगर मैं मथा टेकने चले जाता हूँ, अभी 3:30 हुए हैं तो मुझे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली मैंने सोचा था कि हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे वहाँ यहाँ पे, पर जल्दी पहुँच नहीं पाए, हम 1 घंटा 15 मिनट डिले पहुँचे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ जाम के चक्कर में। वो देखो कॉर्नरिंग, भाई कॉर्नरिंग कर रहा है, कॉर्नरिंग, ओह माय गॉड, फाइनल लस्सी कर दी, कोई बात नहीं अगला मोड़ कॉर्नरिंग कर लेगा भाई। भाई देखो राइडर जो है ना वो ऐसे बैग लेके चलता है, और प्रो राइडर जो ऐसे डिक्की लगा के चलते हैं, तो बाकी कैमरे की बैटरी इतनी चार्ज नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़्यादा बातें कर सकता था। तो स्टे ट्यून्ड, अभी आगे जो अच्छी चीज़ दिखती है तो बताता हूँ मैं आपको। चलो इसका एक नीचे बाकी ऊपर है, पहला नीचे, हाँ एक नीचे बाकी ऊपर। चलो चलो चल ऊपर चला दे, वो इधर से ऊपर, तू जहाँ जाएगा मैं पीछे आऊंगा, तू जहाँ जा रहा है मैं तेरे पीछे हूँ। चलो
चलो अभी हम चिंतपूर्णी अंदर देख के हैं। जय माता दी। अंदर आपको ट्रैफिक दिखाते हैं। बाइक का काबिला जा रहा है चिंतपूर्णी। रश तो भाई रश रश चिंतपूर्णी माता के और ये पुलिसी सीटियां मारते हुए भाई। आज तो हेलमेट वेलमेट भी नहीं दिख रहा है, यहाँ इतना रश है। और देखो बिना हेलमेट के तुरे हैं भाई। पंजाब के नंबर देखते हैं फिर कहते हैं यार ये पंजाबी है, छोड़ो इनसे क्या पंगे लेने। साटा का टोर फिर माता दे, बाइक को हम माता के मत्था टिकाने आए हैं। बाइक माता के मत्था टेक लो। अभी हम ऊपर नहीं जा सकते, किसी दिन फिर आएंगे, फिर हम बाबा बालकनाथ जी भी जाएंगे और बाइक पे भी। हमारी फर्स्ट बाइक को हम माता के मत्था टिकाने आए हैं। माता जी इससे हमारी जितनी यादें हैं वो बरकरार रखना, और हमारे को इसकी भाई या बहन कोई रिएक्शन ही रिएक्शन है भाई। दे रेस तो दे भाई, रिएक्शन देखो रश तगड़े, रिएक्शन मिल रहे तगड़े। ओ भाई रश बस भाई यही सुकून चाहिए हमें, रिएक्शन मिलने चाहिए। मैं तो भाई देख भी नहीं रहा कौन रिएक्शन दे रहा है कौन नहीं। बस चल रही है तो हमें भी जगह मिल रही है, बस अगर नहीं चले तो हमें भी जगह नहीं मिले। उधर जाने के लिए तो मगाई।
तो ये देखो रश कितना है, इतना रश। हम आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं, वो देखो कितना करीबी मामला। रिएक्शन देखो, रिएक्शन हैं? पीछे चलते हैं, रश ज्यादा है तो अभी आगे कुछ जाने नहीं दे रहे, तो हम वापस पीछे जा रहे हैं। बाइक को हमने यहाँ पार्क लगा दिया है और अभी बॉम्बे पिकनिक स्पॉट रुके हैं। बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, इधर कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। और यहाँ रश नहीं है, खाली जगह है, खाली। क्या क्या है टिकट ले, चार्ट ले, चार्ट ले। क्या मैं पुलिस का चेयर करना? तो गाइस इसमें नहीं चेयर सोएगा। तो गाइस चाट खा लो चाट, और बड़ी गर्मी है, मसे पंखा चला। थैंक यू भैया, पंखा चला दिया, शुक्र है। तो गाइस ख़त्म हो गया यहीं पे खाने का सिलसिला, रश भी ख़त्म हो गया। एक बारी नीचे गेड़ी मार के आते हैं फिर बाहर चलते हैं। हाँ पंखा भी चल पड़ा है हमारे लिए, तो अभी एक बारी नीचे गेड़ी मारते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे ना मेरे एक मामू थे, वो अपना कनाडा चले गए, वो मुझे बड़ा लेके आते थे यहाँ पे जब उन्होंने जाना ना चिंतपूर्णी। हाँ तब लेके आना, आज से मैं कोई ना दो या मतलब तीन चार साल पहले आया था, तीन चार साल के बाद आता हूँ। मुझे ऐसी जगह पे जाके ना जहाँ पे मेरे को मामू लेके गए हूँ, वहाँ पे जाके मामू की बड़ी आदत है। जगह ही बहुत कम है, कर भी ले भाई, जगह तो देख तो कौन सी है, वो उधर होगी। ना पावर स्टीयरिंग ना कुछ भाई, रश लोगों ने इतना लगाया है, बहुत कुछ होता है यहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ देखने को। इतना रश है, किसी को बोल के फोटो क्लिक कराते हैं अपनी जगह। इतनी प्यास लग रही है, अभी कोल्ड ड्रिंक पी के हटे हैं और बोतल दिखाने का टाइम नहीं लगा, गर्मी। हेलमेट के अंदर इतनी गर्मी लगती है ना, शक्ल देखो क्या हो गई है। पर अभी मैं चलाऊंगा ना बाइक तो ठीक हो जाएगी। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे? और ये अभी हम पहुंचे हैं चौहाल डैम वाली साइड, इसके पीछे डैम है,
और ये चौहाल है वो देखो, जय हनुमान। तो अभी पब्लिक रिएक्शन जब मैं ब्लॉगिंग करूँगा इतने लोग देखते हैं ना, तो गाइस आपको घर जाके मिलते हैं, लाइक कर दो भाई। रश रश चेक करो, रश सारे आ रहे हैं तो जाए आएगा कौन, जा रही है सारे आगे तक, रश ही रश। ये ट्रकों में लंगर का सामान लाते हुए वो देखो आगे भी भाई, 6% फोन है, स्टोरी डाल रहा है, स्टोरी नहीं रुकनी चाहिए स्टोरी नहीं रुकनी चाहिए राज देखो।